चरखा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा बटन कहाँ दबेगा? चरखा वाले छाप पर। हमारा बटन कहाँ दबेगा? चरखा वाले छाप पर। चरखा छाप जिंदाबाद। MA/MCOM करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं और आपको बता दें कि इस समय फिर से एक बार हम चुनावी सरगर्मियां के बीच पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि आगू छपरा गांव में और आगू छपरा में आज दौरा कर रहे हैं बबलू अंसारी जी, इनकी पत्नी चुनावी मैदान में रुखसाना खातून जी। और लगातार आपको बता दें कि बबलू अंसारी जो हैं अलग अलग गाँव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पे जब आगू छपरा पहुंचे तो जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको स्वागत कर रहे हैं, उनके नाम का नारा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से लोग नारा लगा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है, कितना उत्सुकता है लोगों में बबलू अंसारी जी को लेके, साफ तौर पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इनसे बातचीत करेंगे, फिर लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, इतना उत्साह इतना प्यार लोगों में। देखो लोग हमरा के तो खैर चाहत है, ऐसा बात नहीं है, सारा सिवान के जनता हमरा के चाह रहा बा कि एक बार मौका हमरा के मिलो, हम बढ़िया विकास कराए आ सुंदर सिवान बनाए, हम इंशाल्लाह एकदम सुंदर सिवान बनाए। जनता हमरा के चुन के भेज दिल तो सुंदर सिवान बनी। देखिए बबलू जी से जब भी बात होती है लगातार इनका एक विजन है कि सिवान को सुंदर बनाना है, और न्यूज इंडिया तक भी आपसे अपील करता है कि आप 20 तारीख को अपने मत का प्रयोग जरूर करें और अपने बुद्धि विवेक से फैसला ले। कई सारे लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, हम लोग बबलू बाबू जो चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन का, ये मेन हम लोग का मुद्दा है विकास ही, और सिवान में बहुत ऐसा काम बाकी है विकास का जो इंशाल्लाह हम लोग पूरा करेंगे। बताइए क्या कुछ कहेंगे? कहना मुझे कुछ नहीं है, सिवान की एक एक जनता इस जन सैलाब को देख रही है और सिवान की जनता इतना प्रेम करती है बबलू अंसारी से कि इस बार तय है परिवर्तन होना, होगा परिवर्तन, परिवर्तन होना तय 100%, कहीं से कोई फाइट में नहीं है। बहुत दूर से रुखसाना खातून इस चुनाव को जीत रही हैं, लेकिन हमारा काम है कि एक वोटर नहीं छूटे उसके पास तक। बबलू अंसारी जी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, बबलू अंसारी बिल्कुल शांत रहते हैं और हमेशा लोगों से घुल मिल जाते हैं तुरंत, ये स्वभाव कितना काम आ रहा है? देखिए बबलू अंसारी का यही स्वभाव जो है ना इनके काम आ रहा है और सारे लोग इनके पीछे तन मन धन से लगे हुए हैं। ये सेवक के रूप में जन्म लिए हैं, ऐसे घर में ये जन्म लिए हैं कि लोग सोचता है कि उस घर में ऐसा सेवक, हाँ ये तो खानदानी सेवक जो है ना उसके घर में ऐसा जो है जन्म लेना चाहिए। ये सेवा के रूप में 24 घंटा 12 बजे रात का आवाज़ दीजिएगा बबलू, आपके दरवाजे पर ये खड़े रहेंगे। बबलू का आवाज़ दीजिएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में खड़े रहेंगे, जहाँ कहिएगा वहाँ बबलू खड़े रहते हैं। हम लोग भी जब न्यूज़ बनाते हैं और ख़ास करके बबलू जी से जब बात करते हैं तो हमने एक चीज़ देखा है कि लोगों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं, ये साफ तौर पर कहते हैं कि मैं सिवान का हूँ और मैं सिवान का विकास करना चाहता हूँ, सिवान को सुंदर बनाना चाहता हूँ। यानी इनका सारा फोकस है जो वो सिवान के विकास पे है, ना कि वो किसी पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, और ये जो इनका छवि है ये काफ़ी काम आ रहा है जी। अभी तो सारा देखते बड़ा के हिंदू मुस्लिम सारा लोग हमरा साथे बा, ऐसा ऐसा गांव के लोग हमरा के खुद बुला रहा बा कि हमरा अंदाजा नहीं क्या मिलत, हमरा गैबी मदद मिले के शुरू हो गई बा, बस ये तरह से हमारा देख सकते हैं। इनका जो आचरण है, इनका जो लोगों के प्रति प्यार है वो भी दिख रहा है, तभी तो लोग खुल के बोल रहा है। और क्या कुछ कहेंगे, कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं इनसे? देखिए बबलू से उम्मीद तो बहुत काफ़ी हम लोगों की है, इसलिए कि ये बेहतर बेहतर सोच के मालिक है, जो अच्छा सोचता है वो अच्छा करता है। ये इनके आने से
भ्रष्टाचार 100% खत्म हो जाएगा और रोड नाले के जो समस्या है दूर हो जाएगा। और कुछ लोगों से बात करते हैं, देखिए ये जो बबलू जो भाई हैं ये तो ऐसा है कि सबको बड़ा मान सम्मान देते हैं। मान सम्मान के वजह से आज ये जो पहले तो वार्ड कमिश्नर थे, अब जो है चेयरमैन में इनकी पत्नी खड़ी हुई हैं। इनके इनके साथ क्या है कि सबको मान सम्मान देते हैं। इनके पास ये नहीं कि कोई भेदभाव है, ये है बड़े आदमी है चाहिए, सबको मान सम्मान देते। अब मान सम्मान वाला जो पहले हुआ है इसीलिए सब लोग जुट गया है कि भाई जो मेरा मान सम्मान करता था मरनी को भी मान सम्मान जी मरनी जियनी में हर जगह आता था, तो जब उसको जरूरत पड़ेगा तो हम भी जाएंगे। और काम का जो बात है तो हम लोग वार्ड कमिश्नर में इनका काम हम लोग देखे देखा आप लोगों ने जी। रोड तो अभी ऐसा बनाए हुए हैं, चार पांच की बात है, किस तरह का काम हुआ था? काम जैसे कि जो मान लिया कि वार्ड कमिश्नर का काम है कि नाली बना देना, रोड सड़क बना देना, जो जो अच्छा काम हुआ था, जो सड़क वड़क बना हुआ है वो अभी तक टूटा हुआ नहीं है, अभी तक उसी तरह का उसी तरह है, कुछ तुड़वाने का जरूरत नहीं है। अब बबलू के साथ यही है कि सारा जनता जो है इसलिए लगा हुआ है कि बबलू सबको मान सम्मान देते हैं। बबलू भाई आइए, क्या कहेंगे, गर्मजोशी के साथ आज लोगों ने यहाँ पर इनका स्वागत किया है आगू छपरा गांव में, कैसा लग रहा है? देखिए बबलू को हम ये जानते हैं कि ये लड़का हरदिल अजीज है, और अभी पहले जो बोल गए हैं बाबू कोई कि सेवा का भाव जो इनके अंदर देखा जाता है वो बहुत ही अनोखा है, सबसे निराला। इसमें कोई शक नहीं कि आधी रात को जहाँ पुकार दीजिए बबलू हाजिर होते हैं। हाँ, इस बात से हम पूरा सहमत है, पूरा मोहल्ला सहमत है, और सभी इनके इस सेवा के भाव से सब लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं कि सारे लोग शामिल हैं, और जरूरत पड़ेगा विकास के लिए तो जिला पदाधिकारी का भी हम लोग सहयोग लेंगे, सीएम का भी सहयोग लेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय के से भी सहयोग लेंगे, दावत देंगे, सभी लोग आएंगे और मदद करेंगे। देखिए कहना कुछ नहीं है, सीधा बात है कि जितने भी चेयरमैन हुए सिवान जिले के वादा किए हैं ये करेंगे वो करेंगे, घरों से निकलना मुश्किल है, नाक दाब पर जाइए बीमारी फैलने की अंदेशा है, सब लोग वादा कर कर जाते हैं और चेयरमैन के सीट पर ये बैठ जाते हैं और सिर्फ लूटने का बाजार शुरू हो जाता है। जनता फिर 5 बरस भोगती है, फिर सोचती है हम क्या करें नहीं करें, लेकिन अब की जनता जात पात से उठ कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने तय कर लिया है कि महबूब अंसारी बबलू नेता को जीता कर रहेंगे और काम कर रहेंगे। किस तरह से लोगों में उत्साह है, गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं? हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको आगू छपरा का विकास चाहिए जी। जो अब बबलू भाई है ये बहुत अच्छा ईमानदार नेता है। जब आपके आगू छपरा पहुँचे हैं तो आप लोगों ने माला पहना के स्वागत किया इनका, क्या कितनी उम्मीदें हैं? बहुत 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 की हद से ज़्यादा, उतना कहने से भी ज़्यादा है, और विश्वास भी है कि हमारे आगू छपरा गांव के लिए बबलू भाई और आप लोग का सपोर्ट रहेगा, बहुत रहेगा, जीव जान लगाकर सपोर्ट रहेगा, ऐसा बात नहीं। बिल्कुल, तो लोगों का उत्साह बता रहा है, प्यार बता रहा है कि किस तरह से लोग बबलू अंसारी के समर्थन में उमड़ रहे हैं ये देख सकते हैं आप। और आपको बता दें न्यूज इंडिया तक भी आपसे ये अपील करता है कि 20 अक्टूबर को जब आप वोट डालने जाएं तो अपने बुद्धि और विवेक से फैसला लें और एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करें। आपको बता दें कि वोट जो है वो लोकतंत्र का जो पर्व है वो मनाना जरूरी है, और वोट जो है आपका अधिकार है, वोट आपका ताकत है, इसलिए 20 अक्टूबर को आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला ओवरब्रिज के नीचे सिवान।